नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीरों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। फैसले की गलत खबर चलाकर अदलिया पर हमला किया गया। झूठ बोलकर अदलिया को बदनाम करने का मंसूबा बनाया गया। दोनों की तकरीर करनी है तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। अस्खुद नोटिस की समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के वकील सलमान अकरम राजा के पैमरा की जानिब से पेश होने पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा क्यों ना आपका लाइसेंस मौतल कर दें। मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ की विकेट गिरा दी। खैबर पख्तूनख्वा के रुकन असेंबली जावेद नसीम मुस्लिम लीग काफ में शामिल। चौधरी बिरादरान ने जावेद नसीम को गले लगा लिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है नवाज शरीफ हमसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास शुरू का में गालम गलोच खूब निकाली भड़ास। राणा कासिम नून और राणा अफजल में तल्ख कलामी गालियों तक जा पहुंची। लोटे के ताने निकल जाओ की आवाजें। राणा अफजल इजलास से चले गए। कासिम नून कमेटी की सरबराही से मुस्ताफी। कराची में बच्ची की लाश मिलने पर लोगों का एहतजाज। औरंगी टाउन का इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठी चार्ज और फायरिंग, मुजाहिरीन का पथराव। तसादुम में एक शख्स जांबहक, अहलकारों समेत कई जख्मी, छह मुजाहिरीन गिरफ्तार। कराची में कत्ल होने वाली बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। बच्ची के जिस्म पर सिगरेट से जलाए जाने का निशाना भी मौजूद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफात। आशियाना हाउसिंग स्कीम करप्शन केस में गिरफ्तार आहद खान चीमा और शाहिद शफी के जिस्मानी रिमांड में 26 अप्रैल तक तौसी। 40 अरब की करप्शन के इल्जामात में अली जहांगीर सिद्दीकी की नाप पेशी, 3 घंटे तक सवाल जवाब। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू मुलाजिमा तैयबा पर तशद्दुद करने वाले साबिक जज राजा खुर्रम अली खान और अहलिया माहिन की जमानत मंजूर कर ली। दोनों को आज सुबह 1-1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।